गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर हिंदी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 नीलू के प्रश्न एवं उत्तर टा तक कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हम उसके आगे के प्रश्न उत्तर करते हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए, अपनी क्लास वर्क कॉपी निकाल लीजिए और हम अब स्टार्ट करते हैं। ठा नंबर का क्वेश्चन है, नीलू का ध्वनि ज्ञान विस्तृत था। उदाहरण देकर इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। यानी नीलू का यानी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। अब इस ये कथन लिखा है, यानी कोटेशन कथन एक, तो इसको यानी उदाहरण देकर समझाना है हमको आंसर में। देखते हैं, लिखिए उत्तर। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान था। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि उससे कोई कह देता कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही हैं, तो वह विद्युत गति से चार दीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता। एक बार हम और डिवाइस कर लें आंसर। देखिए, नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान था। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि उससे कोई कह देता कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो वह विद्युत गति से चार दीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उसका उत्तर है,
पशु पक्षियों की साथ हमारा व्यवहार नम्र होना चाहिए। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, पशु पक्षियों की साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? उत्तर है, पशु पक्षियों की साथ हमारा व्यवहार नम्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ता नंबर का। लेखिका की मोटर दुर्घटना में घायल होने पर नीलू की क्या प्रतिक्रिया हुई? एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं, लेखिका की मोटर दुर्घटना में घायल होने पर नीलू की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, लेखिका की घायल होने पर नीलू उदास हो गया, उसने ना कुछ खाया ना पिया, उसे अस्पताल लाया गया, नियमित रूप से अस्पताल जाने पर वह डॉक्टर से परिचित हो गया। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में ना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और आप अपनी क्लास वर्क कॉपी कंप्लीट